Namaste ji, welcome back to the blogs. I'm at Roro Homestay. Yesterday was unexpected rain, couldn't go anywhere. So yeah, today we are expected to leave for Key and Kipper and maximum places we need to cover today. Place has beautiful vibe, chill scene. So we'll just have a quick breakfast and then we'll make our way to other location in कासा. सो अभी हम निकल गए हैं की मॉनेस्ट्री और की गोम्पा की तरफ. जब तक हम उधर पहुँचते हैं तब तक आप ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम लैप्स 360 डिग्री टाइम लैप्स लिया था मैंने होम स्टे से. तब तक आप वो देखिए, हम तब तक की मॉनेस्ट्री पहुँचते हैं. फिर बाद में हम यहाँ खड़े हैं. ये जो तो दो फ्लोर है, टॉप फ्लोर जो है ये 14th सेंचुरी में रिबिल्ड किया गया. अच्छा. उनके बदलो जो हमारे जो सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो फिर दोबारा से इसमें कन्वर्ट होके हम पढ़ पा रहे हैं. अभी उनका 19वीं हफ्ता चला हुआ है जो कि आज यहाँ, हालांकि आज से यहाँ पर टीचिंग देंगे वो एक हफ्ते तक कंटिन्यू. तो ये रे अमित भाई, आज भाई का लंबा ट्रैक हो गया. तो आगे की जगह भाई घुमाएंगे. चलो हम अभी की तो हमारा हो गया, की हमारा अब चिचम और कीपर रह गया है. हाँ जी. तो अभी हम यहाँ से वापसी लेते हैं अपना कीपर की तरफ, चिचम की तरफ चलते हैं. चिचम से फिर कीपर होते हुए आएंगे. चलो ठीक है, चलो ठीक है, अब टर्न लेते हैं यहाँ से. चलो कर लो. ओके सब रखता है. नहीं नहीं नॉर्मल हो जाएगा. सही है, मुझे लगा कि मेरे को जब मैं गोम्पा रंजन गया ना उसके बाद मुझे यहाँ के प्रॉब्लम नहीं हुई. क्योंकि एक बार हो जाता है फिर तब नहीं हो पाता, फिर नहीं होगा. सो ये रहा चिचम ब्रिज, एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है ये. क्या बोलते हैं, एशिया का हाईएस्ट ब्रिज.
और ये कनेक्ट करता है चीचम विलेज को। बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना अमित भाई, मोमोज बिल्कुल ट्राई करना, मजा नहीं आएगा। और जो उत्तराखंड से है वो तो स्पेशली तो टेस्ट ही नहीं आएगा कहते भी नहीं। चलिए थोड़ा घूमते हैं इधर, थोड़ा घूमते हैं, फोटो वोटो लेते हैं। आज काफी रश है थोड़ा सा। तो ये है टॉप मोस्ट पॉइंट, यहाँ से पूरा ब्रिज अच्छे से दिखता है। तो चीचम ब्रिज वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, जिसकी हाइट है 13,600 फीट एंड ये 150 मीटर की लेंथ में है। ये किब्बर और चीचम विलेज को कनेक्ट करता है। तो लोग यहाँ से इस पठार से ना यहाँ से पैदल 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 लोग किया करते थे, तो इस ट्रेल को भी दिखाएंगे कम्प्लीटली कितना डेंजरस रास्ता था। और एक क्या बोलते हैं ना, चेन रॉक ट्रॉली, हाँ ट्रॉली ट्रॉली लगी हुई है। ट्रॉली की हाइट भी लगभग इतनी ही ऊंची है जितना ब्रिज है ये। तो मतलब ट्रॉली में जब बैठता होगा आदमी तो सोच सकते हैं कि कैसा फील होता होगा बंदों को कि हाँ भाई जिगर चाहिए, जान हाथ पे रखते, जान हाथ पे रखते। जैसे ये आप देख रहे हैं कि मोनेस्ट्री बनी हुई है हमारी छोटी सी, और हमारा रोड इधर से जा रहा है, फिर भी इधर से कच्चा कट बना हुआ है। तो लोकल जो लोग हैं उनकी मान्यता ये है कि जो हमारी मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री के हमेशा राइट साइड या लेफ्ट साइड से, जैसे इधर से तो राइट साइड से निकलना चाहिए इसके। अच्छा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे पाप हैं, वो थोड़े कम होते हैं। तो ये उनकी मान्यता है। तो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हम भी इसलिए इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हमने भी राइट टर्न से राइट कट लिया है और मोनेस्ट्री के राइट से निकले हैं हम लोग। तो और एग्जिट जब वापस आते हैं तो तब भी राइट में पड़ेगा हमारे, राइट में। अच्छा, जाते हुए राइट में, राइट में, तो आपने उधर से वो सॉरी उधर से इधर आप राइट साइड, राइट साइड से जा रहे हो आप अभी ना। अच्छा, तो आप इसके लेफ्ट से जा रहे थे। तो ऐसा है। तो ये बहुत मान्यता है यहाँ पर, जगह जगह छोटी छोटी मोनेस्ट्री। आप स्पीति पूरे में आओगे तो ऐसी मोनेस्ट्रियाँ बहुत सारी मिलेंगी। तो आप देखना कि जो आपकी साइड होगी, जिस साइड से आप चल रहे होंगे, लेफ्ट में हो राइट में हो, जिधर से रास्ता कट रहा होगा उसके तरफ से, तो हमेशा उसको फॉलो कीजिएगा। इधर मटर की खेती होती है मोस्टली, ज्यादातर मटर हो गया आपका और थोड़ा बहुत आलू उगा लेते हैं। जौ हो गया, जौ उगाते हैं, मटर उगाते हैं, मटर ज्यादा उगाते हैं, जौ भी उगाते हैं। जौ तो क्या है कि थोड़ा खाने के लिए, थोड़ा दारू बनाने के लिए काम आ जाती है जौ। अच्छा, वो विंटर में तो बिना दारू के तो चलता, सरवाइव कराना तो विंटर में भी अक्टूबर के बाद पानी पूरी सब बंद हो जाएगा। इधर आके फर्स्ट एड आराम से मिल जाती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी की बहुत दिक्कत है किब्बर में, किब्बर में। अच्छा, क्योंकि हाइट पे पानी नहीं रुकता, पीने की पानी की भी इतनी दिक्कत है कि आदमी सोच नहीं सकता। सो इधर सोर्स क्या रहता है? सोर्स तो कुछ नहीं है, सोर्स बस ऐसे ही है, थोड़े थोड़े पॉन्ड्स बने होते हैं ऊपर, पानी आ रहा है कितना आएगा। तो क्या टैंकर भी आता है, जैसे सब मोस्ट जगह में काजा देखा, ये देखा सब जगह टैंकरों से ही पानी आता है, पानी कनेक्शन है। बट काजा में तो ये है कि रिवर, तो रिवर से ही, रिवर से नहीं ऊपर से है, ऊपर से। अच्छा अच्छा, सोर्स है, ऊपर से आता तो है पानी, ऐसा नहीं है। पर क्या है कि अभी मे भी यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, 2 साल बाद शायद लग जाएगा कनेक्शन, आ गया सैंक्शन हो गया है पानी के लिए। अच्छा अच्छा, पर लग जाएगा, पर विंटर में नहीं आएगा। यहाँ से हमें, हाँ यहाँ से हमें राइट ही जाना है। अच्छा ठीक है, तो समर्स में हमको प्रॉपर है। यहाँ से हमारा किब्बर कंप्लीट दिखाई देगा, ऐसे लगे गाँव के से घर के साथ।
फिलहाल अभी हम जा रहे हैं हिकिम कॉमिक लांजा, तो चले हुए हैं, तो ऊपर से थोड़ा सा आपको स्पीति का थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। और क्लाउड्स आप देख सकते हैं कैसे लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि बस सामने ही है, सॉफ्टी बनाई खा लेंगे। आजकल लेपर्ड लूपर्ड भी थोड़ा सा नीचे आ गए हैं वैसे। और देखिए नजर हटी और दुर्घटना घटी। पंजाब जी आता। अच्छा जी पाजी कितों से आए? पंजाब तो आए, एयरबैग भी खोल देते पाजी ने, दिखाते तो भाई बिल्कुल सेफली चले आप लोग, गाड़ियां ढंग से चलाएं। खा के तो और रेस्ट ले प्रॉपर, जरूरी नहीं है कि एक दिन हो जाए सब कुछ करें, हम चलना ही चलना है। गाड़ी मुझे लग रहा है कहीं यहाँ पर हुआ एक्सीडेंट, और ये किसी बुलेरो कैंपर के साथ हुई है। बुलेरो को तो कुछ हुआ नहीं होगा, बुलेरो को तो कुछ खास हुआ नहीं, उसकी जाली बड़ी है यहाँ पर। मैं भी शायद एक बुलेरो नीचे खड़ी थी लगी हुई, आपको जाते हुए दिखाएंगे, वो सेंटर से टूटी हुई, उसमें जाली भी नहीं लगी हुई, तो वही है उसी की जाली है। वो कहते हैं ना डोंट बी गामा लैंड ऑफ लामा, तो गामा बनने की कोशिश नहीं करनी यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं भाइयों, लाहौल स्पीति के लिए एक चीज़ कही जाती है कि यहाँ पेड़ भी कपड़े पहनते हैं, तो आज आपको वो पेड़ दिखाते हैं जिन्हें कपड़े पहना रखे हैं। तो आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा जिसको पूरा कपड़े से रैप किया हुआ है, ये भी है और जितने भी पेड़ लगे हुए हैं आगे तक, सबको कपड़ों से रैप किया हुआ है। रीज़न ये है इसका रैप करने का, क्योंकि यहाँ पर ठंड इतनी बढ़ती है कि 2 साल तक पेड़ की केयर करनी पड़ती है, एक बच्चे की तरह प्रॉपर कपड़े पहनाने पड़ते हैं। इतनी ठंड होती है कि पेड़ मर जाता है, सूख जाता है, तो इसीलिए कपड़े पहनाते हैं यहाँ पर पेड़ों को। तो इसीलिए ये कपड़े पहने हुए हैं पेड़ों ने, जो कि आप देख रहे हो। जब ये ग्रो कर जाएंगे थोड़ा, 2 साल से बड़े हो जाएंगे, तो फिर ज़रूरत नहीं है इन पेड़ों की केयर करने की इतनी, तो फिर ये अपना आप, जब आप आओगे तो हैं आपको ऑक्सीजन देते हुए दिखाई देंगे ये पेड़। फिलहाल अभी तो केयर करनी पड़ेगी इनकी। तो लांगजा से नाइट स्काई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, स्पेशली फर्स्ट रीजन तो ये है कि कोई आर्टिफिशियल लाइट सोर्स नहीं है, एंड देन सामने का एरिया इतना ओपन है कि बहुत सारे स्टार्स, मतलब काउंटलेस स्टार्स। तो अगर कभी मौका मिले, अभी तो आजकल आई गेस मून है तो वी कैंट प्रॉब्ली गेट प्रॉपर स्टार्स और दैट सॉर्ट्स, बट कभी नो मून डे होगा तो यू शुड कम हेयर एंड मतलब रात को इवन स्टे हेयर एंड ट्राई टू कैप्चर दैट मार्वलस स्टार गेजिंग, एंड इवन इफ यू आर लकी यू विल बी एबल टू सी गैलेक्सी जस्ट बिहाइंड मी द स्टैचू विच इज़ 14,300 feet हाइट। सो इतने आगे ड्रोन उड़ाते हैं अब यहाँ से, बाकी एक टाइम लैप्स तो लगा दिया है, तो चलते हैं ड्रोन उड़ाते हैं।
एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक। भाई और मैंने पेट पूजा कर ली है, तो पहले भाई पेट पूजा फिर काम दूजा। तो यहाँ बोलते हैं बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं। हाँ, फॉसिल मिलते हैं, अगर ढूंढने भी लगे ना तो पक्का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो चलो ढूंढना पड़ेगा, चलो हम ढूंढते हैं, अगर हमें कुछ मिलता है तो हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा कहीं उस वाले लोकेशन में है कहीं, तो देखते हैं कुछ है तो उधर सही में। और ये इधर की मॉनेस्ट्री है, यहाँ से व्यू है कुछ ऐसा है। तो चलिए मैं और अमित भाई कुछ फॉसिल्स ढूंढते हैं, अगर सही में फॉसिल्स इधर होते हैं तो। कुछ मिला अमित भाई? तो ये मुझे लग रहा है ये मलबा वलबा निकाला हुआ कहीं इसमें ना हो कोई है। देखते हैं बढ़िया तरीके से ना, थोड़ा देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, कुछ मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। देखो 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 देखो, अरे मिल गया मिल गया। अरे 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 भाई 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 भाई, एक फॉसिल मिला है। फॉसिल मिल गया। अरे भाई और भी ढूंढते हैं हम फिलहाल, अभी और है और भी मिल सकते हैं, ढूंढते हैं। तो हमें पास में ही मिल गया वैसे तो। अरे वाह भाई, फॉसिल मिल गया, फॉसिल मिल गया। साफ करके जेब में रख लेते हैं मेमोरी के लिए। तो मुझे लग रहा है ये जो पात बना रखा है यहीं से निकाली हुई मिट्टी उट्टी उसमें। बाकी तो ये पूरा ही लैंड है, फॉसिल गई है पूरा लैंड फॉसिल गई है। अगर नालों में चेक करेंगे तो बहुत सारे किसी न किसी को मिल ही जाएगा। अगर आपको ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई। बिल्कुल। तो चले भाई, अब हिक्किम चले, हिक्किम चलते हैं। पोस्ट पोस्ट भेजना भाई, मिस यू लिखना है। चलिए नेटवर्क नहीं है, ये नेटवर्क नहीं है तो पोस्ट से काम चलाना पड़ेगा। ये यहाँ की मॉनेस्ट्री है। क्लाउड से तो भी कैसे हो रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी से हिक्किम चलते हैं और फिर वापस अपने होमस्टे रोरो होमस्टे की। चलिए फिर चलते हैं। तो हम इधर पहुंच गए हिक्किम में और अब तो बड़ी शांति आ गई होगी यार। अपना बादल लग गए, ठंडा हो गए। उस साइड पे अभी थोड़ी बहुत धूप है और वहाँ से देखो पैटर्न सा। वैसे एक चीज है पहाड़ों में ना, जिस पार्ट पे सबसे लेट धूप आती है उस पार्ट में सबसे लेट तक धूप रहती है। मतलब इस पार्ट में सबसे लेट धूप आती है। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। तो ये है कुछ हिक्किम की वो कहाँ पे है, नीचे कहाँ पे है। इधर ही गाड़ी वाड़ी लगा दी है। टुक्की भी और अच्छी भी है क्योंकि टूरिस्ट इतना चलता है, लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो अब भाई जी ने बताया कि यही मेन है ऑफिशियली, जो पहले घर में मर्ड हाउस में बना था वो अब बंद हो चुका है ऑफिशियली। तो यहाँ के लिए तो इतना ही था आज काजा के लिए। आज वापस जाते हैं भाई जी के होम स्टे पे रुक के, आज थोड़े मज़े करके फिर अपनी जर्नी कल फिर से अपनी गड्डी चालू करके निकल जाएंगे। बाकी आज के मज़े फिर रिकॉर्ड करेंगे। तो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, फिर 1 बजे से 2 बजे तक लंच, फिर 2 बजे से 4 बजे तक। तो यही है अब नया पोस्ट ऑफिस, पुराना वाला इज नो मोर फंक्शनिंग एंड इट इज ऑफिशियली क्लोज्ड। सो चलिए अब तो होम स्टे में जाके रिकॉर्ड करते जो करते हैं। ठीक है भाई जी, चलो फिर चलते हैं भाई जी के बेहतरीन होम स्टे पे। चलिए तो भाई लोगों हम चले हैं। अगर आपने काजा का पेट्रोल पंप देखा होगा तो पेट्रोल पंप के सामने से एक गली आती है। तो काजा जो मोस्टली है वो गलियों का ही माया जाल है। तो आपको काजा की गली दिखाते हैं। गली के लेफ्ट एंड राइट पे ही सारा काजा। बिल्कुल, गली के लेफ्ट और राइट पे ही है पूरा काजा। तो नीचे से अगर मार्केट से आदमी आ रहा है तो वहाँ नो एंट्री होती है, तो वहाँ से गाड़ी आने ही नहीं देते हैं ऊपर। और ये अपना
ब्रिज, छोटा ब्रिज जो आपने ऊपर से देखा होगा, एक ब्रिज पड़ता है ये वही ब्रिज है, यहाँ पे आगे थोड़ा छोटा हो जाता है और गलियाँ ऐसी हैं इंच इंच वाली, अगर कोई सामने से गाड़ी आ जाए तो पास देना थोड़ा ऐसा हो जाता है कि बस यहीं पर है थोड़ी सी जगह, लाइट बंद करना दबाने का ऐसा ही उधर है। ये काजा के अंदर का ऑफ रोड रोड है वैसे ना, ऑफ रोडिंग करनी हो तो इस रोड को जरूर ट्राई करना। एक गाड़ी और आ रही है तो यही रोक लो आप इसको। ये अपने रावत जी की दुकान है, यहाँ पे बंद हो गई है फिलहाल। ये फतेह सिंह रावत, ये भी वैसे बेसिकली उत्तराखंड से ही है पर रावत जी सालों से यहीं हैं, सालों से रावत जी का घर भी यहीं है, होटल भी यहीं है, सब कुछ यहीं से है रावत जी का, बस नाम के लिए उत्तराखंड के हैं। कमाने के लिए जाना पड़ता है। हाँ बल भाई जी, गांव में तो कुछ रहा नहीं है भाई। नहीं अब तो बहुत कुछ है गांव में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना, पर उस टाइम के दौर पे इतना जब फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नेटवर्क नहीं रहा होगा, रोड कनेक्टिविटी नहीं, हॉस्पिटल नहीं, और पानी की सबसे बड़ी समस्या, तो आदमी खेती के ऊपर ही डिपेंड करता था, तो लोगों ने काफ़ी प्लान किया उत्तराखंड से। यहाँ पे बन रही है बंदे की प्रॉपर्टी है, अच्छी बाहर वाली बढ़िया है भाई। और बाकी ये अपना स्नूकर क्लब यहाँ पर, अच्छा ये सीढ़ियाँ जा रही हैं सामने ऊपर को ना, लाइटें बंद होंगी तो बंद हो गया इसका मतलब। ऊपर ये काजा का, हाँ ये काजा का मेन मेन चौक पे हम पहुंच गए हैं, तो आप जब उधर से आएंगे तो यहीं पे आएंगे और यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से रल जाएंगे बस, थोड़ा आगे हम यहाँ साइड में लगा लेते हैं गाड़ी। गाड़ी हमने लगाई, लगा ली थोड़ी, हमें आज पार्किंग मिल गई, नहीं तो भूल जाओ गाड़ी खड़ी करना, पैदल खड़े करने के लिए भी थोड़ी सी बहुत दिक्कत है।